वेलकम, यू आर वाचिंग खुलासा न्यूज़ विद मी रक्षिता पारिक। और मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ अच्छी वाली स्पोर्ट्स की खबरें, क्योंकि IPL इंडियन पैसा लीग इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है 23 मार्च को, जो कि है कल। एंड पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, यानी कि धोनी और विराट कोहली के बीच, और वो खेला जा रहा है MA चिदम्बरम स्टेडियम में, चेन्नई में। एक बात बता दूँ, ये जो स्टेडियम है ना, ये धोनी का होम ग्राउंड है, ठीक है। और धोनी ना 3 बार टाइटल जीत चुका है, विराट कोहली ना 1 बार भी नहीं जीता है। हमको देखना पड़ेगा कि ये मैच जो है हमारा पहला मैच, इसमें विराट कोहली अपनी जीत का श्री गणेश करते हैं कि नहीं। अब मैंने सोचा 12 सीजन स्टार्ट हो ही रहा है, तो थोड़े से रिकॉर्ड्स जो अब तक के बने हैं इन 12 सीजन में वो बता दूँ, तो ज़रा चलो उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर की, यानी गेसेस कौन है, मैं बताती हूँ। सुरेश रैना, चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन सुरेश रैना, इन्होंने 176 मैचेस में 4985 रन बनाए हैं 34.37 की एवरेज से। इनके बाद आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन विराट कोहली, इन्होंने 163 मैचेस में 4948 रन बनाए हैं 34.48 की एवरेज से। मतलब सुरेश रैना ऊपर है, उसके बाद विराट कोहली है। सो देखते हैं इस IPL में ये जो लिस्ट है हमारी 1-2 की, ये चेंज होती है कि नहीं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने वाले प्लेयर की, विद 292 सिक्सेस इन जस्ट 112 मैचेस, क्रिस गेल टॉप्स द लिस्ट। ये बट ऑब्वियस थी ना बात, क्रिस गेल नया इंसान यार, कम ऑन। वो इंसान एक ओवर में 6 छक्के मार सकता है, तो मतलब कौन सी बड़ी बात है। वैसे एक बात बता दूँ, वो सिर्फ 8 सिक्सेस, लाइक ही इज जस्ट 8 सिक्सेस अवे फ्रॉम सिक्योरिंग 300 सिक्सेस इन अ मैच। सो आई गेस वो खेल जाएंगे, जिस दिन वो अपने मूड में आ गए ना, वो इंसान एक ओवर में 6 छक्के मार देगा और नेक्स्ट ओवर में 2 छक्के और मार देगा, और बस हो गए रिकॉर्ड पूरा उसका। क्रिस गेल ने 112 मैचेस में 3994 रन बनाए हैं, और उसमें से 1752 रन इन्होंने सिर्फ छक्के मार के बनाए हैं। मतलब 50% ऑफ हिज जो रन है ना, वो सिर्फ छक्के मार के बना लिए इस इंसान ने। मतलब हाउ एंड व्हाई, ये इंसान ऐसा है कि ये सिर्फ इंडिया में आके ऐसा खेलता है, मुझे समझ नहीं आता। ABD ने 141 मैचेस में 3953 रन बनाए हैं, और उसमें से इन्होंने 186 छक्के मारे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं। इन्होंने 175 मैचेस में 4016 रन बनाए हैं, और ABD की तरह 186 छक्के मारे। मतलब फिलहाल अभी जो ये सेकेंड स्पॉट है ना, ये ABD और धोनी के बीच में टाई है। सो देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से ऊपर नीचे कौन जाता है, या इस 12 सीजन में ये जो टैली है ये उल्टी होगी कि नहीं। मेरे को लग रहा है कम है, क्योंकि क्रिस गेल के चांसेस जो हैं वो अभी भी हैं कि वो टॉप पे बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले प्लेयर की, तो फिलहाल ये रिकॉर्ड लसित मलिंगा के नाम पे है। 110 मैचेस में 154 विकेट्स लिए हैं। अब बंदा जीनियस है यार, श्रीलंका के लिए मतलब कितना ज़बरदस्त खेला था इस बंदे ने, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। लसित मलिंगा के बाद आते हैं अमित मिश्रा, जिन्होंने 146 विकेट्स लिए 136 मैचेस में, और उसके बाद आते हैं KKR के पीयूष चावला, जिन्होंने 140 विकेट लिए 144 मैचेस में। सो पता नहीं क्या होने वाले, देखते हैं। बस ये 3 रिकॉर्ड तो बन गए, तो यार चांसेस ना मुझे समझ नहीं आता। IPL का भरोसा नहीं है, कौन कब कैसे खेल जाए, कौन सबसे ऊपर पहुंच जाए, कौन सबसे नीचे पहुंच जाए, सो यू डोंट नो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले प्लेयर की, नाउ ये रिकॉर्ड जो है वो है अमित मिश्रा के नाम। इन्होंने 3 बार हैट्रिक लिए, 3 बार, मतलब समझ में आ रहा है 3 बार। इस बंदे ने 3 बार हैट्रिक लिए 2008, 2011 और 2013 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे युवराज सिंह, जिन्होंने 2 बार हैट्रिक लिए। इन्होंने 2009 में हैट्रिक ली थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट। ओ एक बात तो बताना भूली गई, हैट्रिक जो है ना, सबसे पहली हैट्रिक जो है वो ना लक्ष्मीपति बालाजी ने ली थी, और अभी तक की IPL की हिस्ट्री में ना 17 बार लोगों ने हैट्रिक ले ली है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी और सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर की। सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी ना गौतम गंभीर और डेविड वार्नर ने बनाई है, दोनों ने ना 36 हाफ सेंचुरीज मार रखी हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने 35 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एवरग्रीन कैप्टन विराट कोहली, इन्होंने 34 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं यार, मतलब 36 34 35। अब बात करते हैं सेंचुरीज की, मतलब 100 रन, ये ना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है क्रिस गेल ही होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाई थी, मतलब उन्होंने अभी तक के टोटल 12 सीजन में क्रिस गेल ने अभी तक 6 सेंचुरी मार रखी है। एक बात और बताऊँ, ही इज़ द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100, उन्होंने सिर्फ 30 यानी इन ओनली 30 बॉल्स ही स्कोर्ड 100 रन। ये बंदा ना जीनियस है, जीनियस। ओके
अब क्रिस गेल के बाद आते हैं विराट कोहली और शेन वॉटसन, दोनों ने 4-4 सेंचुरी लगा रखी है। अब बात करते हैं मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स की। ये ना गेस करने के कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं नहीं किसी को यहाँ पे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी ने ना 94 मैचेस जीते हैं, ठीक है, और 3 बार टाइटल जीत रखा है। सबसे पहले स्पॉट पे तो फॉर ऑब्वियस रीजंस धोनी होंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड का जो स्पॉट है ना उसमें थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सबको लगता है मुंबई इंडियंस है, बट नहीं ना, इट इज़ गौतम गंभीर। ठीक है, जब KKR की कैप्टनसी करते थे ना तो उसको मिला के इन्होंने अभी तक 71 मैचेस जीते हैं और उसमें इन्होंने 2 बार टाइटल जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, इन्होंने 51 मैचेस जीते और इन्होंने 3 बार टाइटल जीता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेंज है कि गौतम गंभीर ने 2 बार जीता है फिर भी वो ऊपर है, बट बंदा यार ठीक है ना, बंदे ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल ज़्यादा हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स जो मुझे पता है अभी तक। अगर मेरे से कोई रिकॉर्ड्स मिस हुए हैं तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है ना उसमें ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दिस इज़ मी रक्षिता पारिक साइनिंग ऑफ।